अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस। ओह ये आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, मैं काफी टाइम बाद इस टाइप की वीडियो कोई चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ और मैं इसीलिए अपलोड नहीं करता था क्योंकि यार ऑब्वियसली मैं चाह रहा था कि दीगर दूसरे कॉन्टेंट आपको पहले दूँ, क्योंकि प्राइजेस का क्या है यार वो तो आप लोग देख ही लोगे, पर मुझे नहीं पता था कि यार इस चीज की भी डिमांड चल रही है मार्केट में और इंस्टाग्राम पे हर किसी को रिप्लाई करना, एक एक ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस बताना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो मैंने बोला यार एक वीडियो बना दो और लिंक सबको चिपका दो। तो चैनल पर न्यू हो तो फटाफट से कर दो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बने बेल आइकन को भी कर दो प्रेस। और यार ये वही इंस्टाग्राम है जो आपके सामने शो हो रहा है, जिसको जाके आपने फॉलो भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस कमाल की वीडियो को। तो यार पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि प्राइसेस जितनी भी हैं वो कराची सिटी की हैं। अगर तो सिटी चेंज होता है तो ऑब्वियसली यहाँ प्राइस वेरी कर सकती है, बट मोस्ट ऑफ द सिटीज में लाइक जैसे हमारे पास कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इस टाइप की सिटीज में जो बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पे प्राइस आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलती है, कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी अंदरून सिटी में से हैं तो वहाँ प्राइस थोड़ी वेरी कर सकती है। प्लस यहाँ पे जो शॉपकीपर होता है उसने जो स्टॉक मंगवाया है उस पर भी डिपेंड करता है कि क्या प्राइस चल रही है मार्केट्स में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्राफिक्स कार्ड। तो पहले ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास क्वाडो K620 है जो कि 2GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है, बट DDR3 में है। प्राइस इसकी मार्केट में 6 से लेकर 7 हज़ार के दरमियान है। नेक्स्ट हमारे पास 1GB में सबसे मिनिमम ग्राफिक्स कार्ड जो मेरे नजदीक है वो HD 7570 है और ये ग्राफिक कार्ड डेस्कटॉप में इजीली पे कर सकते हैं क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है। प्राइस की बात करें तो ग्राफिक कार्ड आपको ऑलमोस्ट 4 से लेकर 5 हज़ार रुपए का पाकिस्तानी मार्केट पर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास GTX 460 है जिसके दो वर्जन आते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल 1GB वाले वर्जन की बात कर रहा हूँ जो कि 1GB से थोड़ा सा कम होता है। प्राइस की बात करें तो ग्राफिक कार्ड आपको 5 हज़ार रुपए का इजीली पाकिस्तानी मार्केट पर कॉस्ट कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास GTX 560 है एंड GTX 560 ग्राफिक्स कार्ड भी 1GB वाला ग्राफिक कार्ड है। प्राइस की बात करें तो आपको 5 से लेकर 6 हज़ार के दरमियान देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास GTX 550 Ti है, ये ग्राफिक कार्ड भी पाकिस्तान के मार्केट पर आपको ऑलमोस्ट 5 से लेकर 6 हज़ार के दरमियान देखने को मिल जाएगा एंड ये ग्राफिक कार्ड आपस में काफी ज्यादा मिलते जुलते भी है। नेक्स्ट हमारे पास GTX 450 है, ये ग्राफिक कार्ड थोड़ा कम अवेलेबल है क्योंकि बहुत ही पुराना ग्राफिक कार्ड है, बस स्टिल अगर आपको मिल जाता है तो आप इसको ऑब्वियसली परचेज कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो ग्राफिक कार्ड को पाकिस्तानी मार्केट पर ऑलमोस्ट 5 हज़ार रुपए का इजिली कॉस्ट कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास GTX 650 है, 1GB वाला ग्राफिक कार्ड है और काफी ज्यादा मशहूर जमाना ग्राफिक कार्ड है। 1GB में कोई ग्राफिक कार्ड परचेज करना जाए और उसको ये ग्राफिक कार्ड ना मिले तो मैं ऐसा मान ही नहीं सकता। प्राइस की बात करें तो ग्राफिक कार्ड आपको ऑलमोस्ट 6 हज़ार रुपए तक का पाकिस्तानी मार्केट पर कॉस्ट कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास GTX 650 Ti है जो कि 1.5GB वाला वर्जन होता है मूवमेंट इसका, और प्राइस की बात करें तो ग्राफिक कार्ड आपको तकरीबन 7 हज़ार रुपए तक का कॉस्ट कर लेगा। कुछ लोग इसको 6 हज़ार में भी सेल करते हैं, कुछ अच्छे सेलर भी हैं, आप इसको इस प्राइस टैग में भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास GTX 650 2GB है एंड 2GB में ग्राफिक कार्ड ये कम प्राइस में काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर लेता है। प्राइस की बात करें तो आपको ऑलमोस्ट 10 हज़ार के अराउंड देखने को मिल जाता है। बाय द वे इतने ग्राफिक कार्ड के नाम बता रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज हो चुके होंगे यार कि सारे यूज ग्राफिक कार्ड है, कोई मसला ना आ जाए। तो मैं चैनल पर पहली वीडियो अपलोड कर चुका हूं किस तरह आपने ग्राफिक कार्ड परचेज करना है, आई कार्ड में और बाकी दीगर सब जगह पे मैं पोस्ट कर लूंगा, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड हमारे पास HD 7750 है एंड ये हमें AMD की तरफ से एक छोटा ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है 1GB में। प्राइस की बात करें तो ग्राफिक कार्ड आपको ऑलमोस्ट 5 से लेकर 6 हज़ार के दरमियान देखने को मिल जाता है एंड यस ये भी एक GDDR5 वाला ग्राफिक कार्ड है। नेक्स्ट हमारे पास HD 7770 है एंड इस ग्राफिक कार्ड के बारे में अगर मैंने बताया आपको स्पेसिफिकेशंस तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बहुत ही बुरी बात हो जाएगी क्योंकि आपको ऑब्वियसली इस ग्राफिक कार्ड के बारे में पहले से ही पता है। 1GB में GDDR5 में काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड है। प्राइस की बात करें तो आपको ऑलमोस्ट 6 हज़ार रुपए तक का कॉस्ट कर लेगा। कुछ लोग इसको 7 हज़ार में भी सेल कर रहे हैं जस्ट बिकॉज की ग्राफिक कार्ड काफी डिमांड में, तो आपने इसको अपने सही प्राइस टैग में ही परचेज करना है। नेक्स्ट हमारे पास R7260X है, 2GB वाला ग्राफिक कार्ड है, 750 Ti से थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस है। प्राइस की बात करें तो ग्राफिक कार्ड आपको ऑलमोस्ट 10 से लेकर 12 हज़ार के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट्स पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास GTX 750 है, 1GB वाला ग्राफिक कार्ड है। प्राइस टैग की बात करें तो ग्राफिक कार्ड आपको ऑलमोस्ट 8 हज़ार रुपए तक का कॉस्ट करता है। कुछ लोग इसको 7 हज़ार में भी सेल करते हैं, तो आपको जिस प्राइस टैग में समझ में आप परचेज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के लिहाज से ग्राफिक कार्ड 1GB के लिहाज से काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड है। नेक्स्ट हमारे पास GTX 750 है, 2GB वाला वर्जन है, ये Ti वाला वर्जन नहीं है भाई, इसको ध्यान में रख देना। प्राइस की बात करें तो ग्राफिक कार्ड आपको ऑलमोस्ट 14 हज़ार से लेकर 15 हज़ार के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कॉमन ग्राफिक कार्ड है जो कि GTX 750 Ti है, 2GB वाला ग्राफिक कार्ड है और ग्राफिक कार्ड के बारे में आपको सभी बताया कि ग्राफिक कार्ड किस तरह का है। प्राइस की बात करें तो ग्राफिक कार्ड आपको ऑलमोस्ट 15 से लेकर 16 हज़ार रुपए के दरमियान देखने को मिल जाएगा एंड इसकी परफॉर्मेंस में और 750 2GB वाले की परफॉर्मेंस में ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, तो आपको दोनों में से जो भी ग्राफिक कार्ड मिल जाए उसको परचेज कर सकते हैं, बट मेक श्योर प्राइस यहाँ पर उसकी सही हो। नेक्स्ट हमारे पास GTX 760 है एंड ये ग्राफिक कार्ड पाकिस्तानी मार्केट पर ऑलमोस्ट 16 हज़ार से लेकर 17 हज़ार के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट पर देखने को मिल जाएगा और 2GB में काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड है। 750 Ti से परफॉर्मेंस की थोड़ी बेहतर है, तो अगर आप इसको भी कंसिडर करना चाहें तो डेफिनेटली आप इसको परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 564GB वाला ग्राफिक कार्ड है एंड ये ग्राफिक कार्ड भी परफॉर्मेंस के लिहाज से काफी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, स्पेशली ये सीरीज गेमिंग के लिए थी। प्राइस टैग की बात करें तो ग्राफिक कार्ड आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर पाकिस्तानी मार्केट पर 18 हज़ार रुपए तक का कॉस्ट कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास RX 570 4GB वाला वर्जन है जो कि पाकिस्तानी मार्केट पर आपको ऑलमोस्ट 22 हज़ार रुपए तक का कॉस्ट कर लेगा और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ग्राफिक कार्ड भी काफी अच्छा है।
नेक्स्ट हमारे पास GTX 952GB वाला वर्जन है। प्राइस टैग की बात करें तो ग्राफिक कार्ड आपको पाकिस्तानी मार्केट पर ऑलमोस्ट 18,000 रुपए तक का मिल जाएगा। एंड ये ग्राफिक कार्ड थोड़ी सी प्राइस की कभी कम भी देखने को मिल जाती है, आपको 16,000 रुपए भी मिल सकता है अगर आप ओएलएक्स वगैरह पे सर्च करते हैं। तो ये ग्राफिक कार्ड भी आप परचेज कर सकते हैं, वरना GTX 962GB वाला वर्जन परचेज कर सकते हैं जो कि आपको 18,000 रुपए तक का कॉस्ट कर लेगा और परफॉर्मेंस भी इसकी काफी अच्छी है। और हम इस ग्राफिक कार्ड को RX 564GB वाले वर्जन से कंपेयर करते हैं। तो अगर आप एनवीडिया की तरफ ही रहना चाहते हैं तो आप GTX 962GB परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गो विद RX 564GB। नेक्स्ट हमारे पास GT 1030 है। ये ग्राफिक कार्ड डेस्कटॉप पे भी लग जाता है क्योंकि इसका साइज थोड़ा छोटा होता है, बस के इसके स्पेसिफिकेशन थोड़े से कम है तभी हम इसको रिकमेंड नहीं करते। हम कहते हैं कि बंदा एटलीस्ट GTX 750 परचेज कर ले। इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस की बात करें GT 1030 की, तो आपको ये ऑलमोस्ट पाकिस्तानी मार्केट पर 14,000 रुपए तक का कॉस्ट कर लेता है। एंड ये ग्राफिक कार्ड भी सही है यार, मतलब क्या बोलूं। नेक्स्ट हमारे पास GTX 1050 है। एंड ये सिंपल वाला 1050 है भाई, 2GB वाला। प्राइस टैग की बात करें तो ये ग्राफिक कार्ड आपको ऑलमोस्ट 17,000 से लेकर 18,000 रुपए के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट पर देखने को मिल जाता है। बट इससे बेहतर आप GTX 1050 Ti परचेज कर लें जो कि आपको ऑलमोस्ट 20,000 से लेकर 22,000 के दरमियान देखने को मिलेगा। इंडिया ग्राफिक कार्ड काफी ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट हमारे पास RX 584GB वाला वर्जन है। अगर तो कंडीशन रफ है या वेरिएंट इस तरह का है जैसे कि हमारे पास 2048 HP वाला वर्जन होता है तो वो आपको 20,000 में मिल सकता है, बट इसका जो ओरिजिनल वर्जन है वो आपको ऑलमोस्ट 22,000 से लेकर 23,000 के दरमियान ही देखने को मिलेगा। लास्टली हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफिक कार्ड है वो RX 588GB वाला वर्जन है जो कि पाकिस्तानी मार्केट पर आपको ऑलमोस्ट 26,000 तक का देखने को मिल जाएगा। एंड ये इसकी प्राइस टैग चल रही है, कुछ लोग इसको महंगा करके बेच रहे हैं। अगर तो ग्राफिक कार्ड आपको महंगा मिल रहा है तो भाई इसको परचेज ना ही करो, ज्यादा बेहतर है। एंड लास्टली जो हमारे पास ग्राफिक कार्ड है वो RX 590 है। एंड ये ग्राफिक कार्ड भी 8GB में काफी अच्छा ग्राफिक कार्ड है। प्राइस टैग की बात करें तो ये ग्राफिक कार्ड आपको पाकिस्तानी मार्केट पर ऑलमोस्ट 28,000 से लेकर 30,000 के दरमियान देखने को मिल जाएगा, डिपेंड करता है वेरिएंट पर और कंडीशन पर। तो आपको जिस तरह समझ में आए वहां से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे मार्केट में काफी ग्राफिक कार्ड है जैसे कि हमारे पास GTX पुदू बदली कौन कौन सा, तो उन सब के प्राइस में बताने लग गया तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उनकी वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और इसके अलावा चैनल पर दीगर वीडियोस अपलोडेड आपके सामने आ जाकर देख सकते हैं जिनसे आपको काफी ज्यादा हेल्प साबित होगी।